हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड ट्वेल्थ में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो सम नंबर 11 था वो हमने कंप्लीट किया था और सम नंबर 12 आपको होमवर्क में करना था। आज के इस वीडियो में हम हमारा ये जो सम नंबर 13 एंड सम नंबर 14 जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सम नंबर 13 जो है वो करेंगे। एल बी एंड डब्ल्यू आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016 वाज अंडर। अब यहाँ पे हमें बैलेंस शीट जो है वो दी गई है। फर्म्स डब्ल्यू रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। टर्म्स ऑफ रिटायर वाज डिसाइडेड वाज अंडर। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 50,000। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट। स्टॉक is to be recorded its cost. Personal expense of W was debited to profit and loss account. A will gain 5/40 and B will gain 3/40 from W's share of profit. Amount of due W is paid in cash and the same amount will be brought in cash by L and B in such a manner that their capital may remain in their new profit and loss sharing ratio of the firm. Prepare necessary accounts and balance sheet of the firm. अब इसके ऊपर से यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो सम है वो यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनका आपको कौन से पार्टनर्स यहाँ पे दिए गए हैं, L, B एंड W, और उनका ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:2:1। अब यहाँ पे आपको न्यू रेशियो नहीं दिया है, बट उसके बदले आपको यहाँ पे गेनिंग रेशियो जो है वो हमें दे दिया है कि L को यहाँ पे गेन हो रहा है 5/40 एंड W को यहाँ B को यहाँ पे गेन हो रहा है 3/40। तो अब उसके ऊपर से यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यू शेयर फाइंड कर लेते हैं। तो न्यू शेयर यहाँ पे हमारा होगा, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन, क्योंकि यहाँ पे हमें ओल्ड शेयर और गेनिंग रेशियो दे दिया, इसलिए यहाँ पे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस अपॉन गेन। तो यहाँ से सबसे पहले L का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2/5 प्लस न्यू रेशियो दिया हुआ है 3/40। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे नीचे हम 40 लाने के लिए 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी, दैट मीन्स 8 2 16 प्लस, और यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल जो है वो हमें करना है, यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे ये जो उसका न्यू रेशियो है L का हमें दिया हुआ है 5/40, दैट मीन्स 16 + 5/40। तो यहाँ पे L का जो न्यू रेशियो वो आएगा 24/40। अब हम B का फाइंड करेंगे तो B का न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2/5 + 3/40। यहाँ पे सेम इट इज़, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे नीचे 8 के साथ तो ऊपर भी 8 के साथ, दैट मीन्स 16 + 3 = 19/40। तो यहाँ पे न्यू रेशियो आएगा 21:19। इस तरह से यहाँ पे न्यू रेशियो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए आपको जो ओल्ड गुडविल दी गई है वो 8,000, वो हम 8,000 जो है वो तीनों पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते, दैट मीन्स 2:2:1 में। सबसे पहले आपको गुडविल वाली एंट्री से करनी, तो सबसे पहले हम गुडविल की एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के बीच में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल की अमाउंट आपको बैलेंस शीट में दी गई है 8,000। अब इस 8,000 को हम 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे ईच पार्टनर विल गेट 3,200, बी को मिलेंगे 3,200 और W को मिलेंगे 1,600। अब इसकी एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे करेंगे, डेबिट से। तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हमने लिखा 2 गुडविल अकाउंट, अमाउंट हमारी यहाँ पे आएगी 3,200 एंड
1600। इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो गुडविल की एंट्री है वो हमने कर दी। अब आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें दी गई कि मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 50,000। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप देखिए बैलेंस शीट में आपको जो है वो लैंड एंड सॉरी बिल्डिंग की वैल्यू दी गई है 37,000, बट यहाँ पे हमने रीवैल्यूड किया तो कितनी है 50,000, मतलब कितनी बढ़ गई हमारी 37,000 जो है वो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। अब जैसा कि आपको पता है कि वैल्यू बढ़ते तो हमारी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्रेडिट होता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। यहाँ पे हमने लिखा इस तरह से बाय बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट हमारी आएगी यहाँ पे 13,000 और इसकी सेकेंड एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में उस असेट्स में हम प्लस करेंगे। दैट मीन्स बिल्डिंग कितनी दी गई हमें बिल्डिंग यहाँ पे 37,000 प्लस इंक्रीज 13,000, तो आउटर कॉलम में हमारा कितना आएगा 50,000 जो है वो हमारा आउटर कॉलम में आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है कि बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट एंड स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट। इस तरह से यहाँ पे हमें इसकी एडजस्टमेंट जो है वो दी गई है कि सपोज यहाँ पे हमारे जो गुड्स है उसके स्टॉक की वैल्यू जो है वो है, यहाँ पे हमें इस तरह से दिया गया है कि मोर देन इट्स कॉस्ट 10% ज़्यादा दिया गया। सपोज कि यहाँ पे उसकी कॉस्ट है 100 और उसके 10% हम ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे हमने बुक वैल्यू कितनी दी है 110, बट यहाँ पे होनी कितनी चाहिए थी 100। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट में आपको जो अमाउंट दी गई है वो कौन सी दी गई है, उसकी बुक जो कॉस्ट बुक वैल्यू दी गई कि जो ओरिजिनल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सपोज 110 इज कॉस्ट देन बुक 110 इज बुक वैल्यू देन द कॉस्ट इज 100। और अब यहाँ पे हमें बुक वैल्यू दी गई है 5,500 देन द कॉस्ट प्राइस विल बी हाउ मच। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5,500 इंटू 100 अपॉन 110, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 5,000, पर हमने यहाँ पे कितनी लिख दी है 5,500, दैट मीन्स कि यहाँ पे 500 क्या हुआ हमारी स्टॉक की वैल्यू जो है वो कम हो गई। अब स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट ₹500 एंड सेकेंड एंट्री यहाँ पे होगी इसकी बैलेंस शीट में हम क्या कर देंगे, स्टॉक में से हम माइनस कर देंगे, स्टॉक 5,500 माइनस डिक्रीज ₹500 और आउटर कॉलम में आएगा 5,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डब्ल्यू इज वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पर्सनल एक्सपेंस की एंट्री हमें करनी थी उसके पर्सनल अकाउंट पे, बट हमने बाय मिस्टेक रीवैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दी थी, मतलब कि हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कम हो गया था। अब हम उस एंट्री को सुधारेंगे तो 500 क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता है, डेट मीन्स कहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पर्सनल एक्सपेंस अकाउंट, इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पर्सनल एक्सपेंस अकाउंट ₹500 और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि हमारी एंट्री जो है वो गलत हो गई, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट W की कॉलम में 500। इस तरह से यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपको गुडविल वाला पॉइंट दिया गया है, सॉरी वो हमसे पहले मिस हो गया था। अब हम ये गुडविल वाली एंट्रीज जो है वो हम यहाँ पे करेंगे कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹80,000। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शेयर जो है वो फाइंड कर लेते हैं गुडविल में से, जो हमारा W का शेयर है वो, दैट मीन्स 80,000 इंटू 1/5 तो वो आएगा 16,000। अब इस 16,000 को दोनों पार्टनर्स के बीच में उनके गेनिंग रेशियो में, दैट मीन्स 5:3 में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे एक L को मिलेंगे यहाँ पे 10,000 और B को मिलेंगे यहाँ पे 6,000। तब इसकी जनरल एंट्री हमें करनी हो तो क्या होगी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹10,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹6,000 टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 16,000। अब इसकी एंट्री हम जो है वो कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स कैप, यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से टू डब्ल्यूज
कैपिटल अकाउंट, एल के अकाउंट में आएंगे 10,000 एंड बी की कॉलम में आएंगे 6,000। और कैपिटल साइड जो है हम थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे बाय एल्स कैपिटल अकाउंट, डब्ल्यू की कॉलम में आएंगे 10,000, यहाँ पे 10,000 एंड बाय बीस कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आएंगे 6,000। इस तरह से यहाँ पे एंट्री की हमने। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया कि गेनिंग रेशियो जो है वो हमें मिल गया। अमाउंट ड्यू टू विच डब्ल्यू इज टू बी पेड इन कैश, द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट बैक इन कैश बाय एल एंड बी इन द सच अ मेथड दैट देयर कैपिटल मे रिमेन इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो इस तरह से यहाँ पे हमें कैपिटल जो है वो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी है। हमने एडजस्टमेंट की एंट्रीज कर दी, अब हम बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दी गई है कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, एल को मिलेंगे 20,000, बी को है 12,500 एंड डब्ल्यू के हैं 5,000। इस तरह से यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस दी गई है। उसके बाद दी गई है जनरल रेशियो, तो इसे हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा एल्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम करेंगे तो तीनों पार्टनर्स के बीच में तो उनको मिलेंगे 2,000, 2,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। इस तरह से यहाँ पे मिलेंगे हमें। उसके बाद हमें यहाँ पे दिए गए क्रेडिटर्स, तो उसकी एंट्री हम करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। यहाँ पे हमने लिखा है क्रेडिटर्स, हमें क्रेडिटर्स दिए गए हैं 20,000। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो उसकी भी हम एंट्री करेंगे यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रुपीज़ 3,000। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो लायबिलिटी साइड है वो कंप्लीट होती है। अब हम असेट्स की साइड बढ़ते हैं। असेट्स की साइड में गुडविल की एंट्री हमने कर दी, बिल्डिंग की एंट्री हमारी हो गई है। देन आफ्टर इस डेप्टर्स, तो यहाँ पे डेप्टर्स हम लिखेंगे रुपीज़ 13,000। उसके बाद स्टॉक की एंट्री यहाँ पे हमने कर दी है, कैश की एंट्री होगी कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस बी डी। अमाउंट यहाँ पे हमें दी गई है कैश अकाउंट की रुपीज़ 2,000। इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर दी। अब हम अकाउंट जो है वो क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम हमारा ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसे हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 13,500। अब इस 13,500 में से हम 500 माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 13,000। अब इस 13,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशो में भेज देंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट एल बी एंड डब्ल्यू, उनके ओल्ड रेशो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 5,200 एंड 2,600। इसकी नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे हमने लिखा है बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट रुपीज़ 5,200 और यहाँ पे आएंगे 2,600। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले W को जो अमाउंट हमें कैश में पेमेंट करनी है उसका हम जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले W के अमाउंट का अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 24,600। उसको यहाँ पे हमने लिख दिया 24,600। अब ये जो अमाउंट है हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा था 22,500 और वो हम यहाँ पे किस तरह से पेमेंट करें कैश में, तो यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा डेड माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कि कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी पार्ट डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी सेकेंड एंट्री यहाँ पे हम करेंगे कैश अकाउंट में बाय डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट रुपीज़ 22,500। इस तरह से यहाँ पे हमने इसकी एंट्री की। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि हमें ये जो अमाउंट है वो इस तरह से पेमेंट करना है कि जिससे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका जो न्यू प्रपोर्शन में जो न्यू रेशो उस रेशो में उनकी कैपिटल रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल किस तरह से, ये जो अमाउंट है वो कौन लेके आ रहा है, पार्टनर जो है उनको उनके अमाउंट में ये जो कैश है वो पार्टनर्स दोनों पार्टनर्स दे रहे हैं कैश। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो है वो फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ पे जो एल है उसका हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो आता है 27,200 और उसमें से अगर हम डेबिट साइड माइनस करते हैं तो हमारी अमाउंट डेबिट साइड माइनस करेंगे 13,200। तो हमारा डेबिट जो
डिफरेंस होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस होनी चाहिए वो 14,000 होनी चाहिए। उसके बाद बी है, तो अगर हम यहाँ पे बी में बी की क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल आता है 19,700, और उसमें से अगर हम यहाँ पे ये जो डेबिट साइड के अमाउंट है वो माइनस करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस आनी चाहिए 10,500। तो यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा है 10,500, और यहाँ पे प्लस जो कैश है जो उन्होंने दोनों पार्टनर्स ने दी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश पेड टू W। कितनी दी है कैश यहाँ पे 22,500। दैट मीन्स कि यहाँ पे उनकी क्लोजिंग कैपिटल जो है, टोटल कैपिटल जो है वो पार्टनर्स की कितनी होगी 47,000। वो किस तरह से हमने फाइंड की, फर्स्ट तो हमने L की जो क्लोजिंग बैलेंस होनी चाहिए वो फाइंड की, फिर हमने B के फाइंड की, और यहाँ पे कैश जो है वो हम पेमेंट करें वो फाइंड किया। अब इस 47,000 को हम यहाँ पे दोनों पार्टनर्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि उनका जो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो है उसके अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल जो है वो आए। तो यहाँ पे उनका न्यू रेशियो दिया हुआ है 21:14 जो है वो L का है, तो यहाँ पे L की कैपिटल आएगी 24,675। इसी तरह से यहाँ पे हमने B का फाइंड किया तो 47,000 × 19/40 किया, तो यहाँ पे B की क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए 22,325। ये हमने किस तरह से फाइंड किया कि इतनी कैपिटल जो है वो दोनों पार्टनर्स की होनी चाहिए। अब यहाँ पे उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 14,000, पर इतनी कितनी होनी चाहिए 24,000, मतलब कि यहाँ पे कितनी अमाउंट जो है वो L लेके आएगा, डिफरेंस जो आएगा वो 10,675 एज अ कैपिटल जो है वो L लेके आएगा उसके अकाउंट में, और सेम इट इज B का। सो तो B की क्लोजिंग कैपिटल हो 10,500, पर होनी कितनी चाहिए 12,325, मतलब कि जो डिफरेंस की अमाउंट है 11,825 कौन लेके आएगा यहाँ पे B। ये हमने अगेन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो कैश है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से फाइंड करना था कि जो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो उनकी इस तरह से होनी चाहिए कि जो हम कैश पेमेंट करें उसके साथ साथ यहाँ पे उनके न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हमने L की क्लोजिंग कैपिटल उसके कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग फाइंड की तो 14,000 आ रही थी, B की 10,000 आ रही थी, और प्लस में कैश जो उन्होंने W को पेमेंट किया था वो, तो टोटल उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी 47,000। अब इस 47,000 को हमने न्यू पार्टनर्स के बीच में उनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना 24,675 और 22,325। अब इसको हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि दोनों, अब एक्चुअल में L की बैलेंस होनी चाहिए थी 24,675, बट है कितनी 14,000, मतलब कितनी कैपिटल जो है वो L लेके आ रहा है, 11,825 जो है वो कौन लेके आ रहा है, B। तो इसकी एंट्री यहाँ पे क्या होगी, सबसे पहले अगर L लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू L's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू L's कैपिटल अकाउंट, L कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं यहाँ पे 10,675। उसकी सेकेंड एंट्री होगी कैश अकाउंट में क्रेडिट बाय कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड कैश अकाउंट रुपीस 10,675। उसके बाद B जो है वो कितनी लेके आ रहा है 11,825, तो सेम यहाँ पे हमने लिखा टू B's कैपिटल अकाउंट 11,825, और सेकेंड एंट्री इसकी होगी उसके कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहाँ पे हमने लिखा 11,825 और डैश। अब हम यहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। आपको पता है कि क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, टू बैलेंस बीडी 24,675 और 22,325। अब हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे तो 37,875 L का आएगा, एंड फिर B का टोटल आएगा 31,525। यहाँ पे हमने लिखा सेम इट इज 31,525। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की है। अब हम इसके ऊपर से यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में कैपिटल, L की कैपिटल हमें दी गई है 24,675, B की कैपिटल दी गई है 22,325 रुपीज़। अब यहाँ पे हम अकाउंट क्लोज करेंगे, दैट मीन्स 47,000 दोनों के टोटल आया। अब हम कैश अकाउंट यहाँ पे टोटल क्लोज करते हैं तो उसका क्रेडिट डेबिट से का टोटल आएगा 24,500, और उसमें से यहाँ पे हमने
हम यहाँ पे माइनस करेंगे 24,500, तो हमारी क्लोजिंग बैलेंस आएगी 2,000। तो यहाँ पे हमने लिखा टू बैलेंस बीबी 2,000 रुपीज़, और यहाँ पे हमने लिख दिया उसकी एंट्री हुई बैंक कैश अकाउंट 2,000 रुपीज़। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्रीज कर दिया। अब हम हमारा ये जो अकाउंट है उसे हम क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 70,000 और सेम इट इज़ असेट साइड का टोटल भी आ रहा है 70,000। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो सम था वो हमने सॉल्व किया। आज के इस जो हमने सम किया उसके ऊपर से आपको टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 22 जो है आपका आपके होम असाइनमेंट में करना है। आई होप आपको ये जो सम से वो समझ में आ गए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम हमारे जो अलग सम से वो हम करेंगे। थैंक यू।